हाय किड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी बुक लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्री प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है टू लेटर वर्ड्स। अभी तक हमने अल्फाबेट्स पढ़े थे, कैपिटल कर्सिव, स्मॉल कर्सिव, रिकॉग्नाइज करा था हमने लेटर्स को, स्टोरी पढ़ी थी। अब हम जाएंगे टू लेटर वर्ड्स पे, ठीक है? इसको अच्छे से समझेंगे साथ में, ठीक है? चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि सारे लेटर्स जो हैं अकेले अकेले हैं। जैसे ए अगर आपको लिखना हो तो कैसे बनाते थे आप ए बच्चों, बताइए मेरे को। यस, अगर आपको ए बनाना होता था तो आप सिंपल सा इस तरीके का ए बना देते थे, या फिर कैपिटल कर्सिव बनाना था तो ऐसे बना देते थे, ऐसे ही बनाते थे ना। देखिए मैम ने जैसे बनाया है। पर अभी तक जैसे आपने पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, दो लेटर्स को एक साथ लिखेंगे। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ए टी एट, तो ये मेरे दो लेटर्स हैं। ये कैसे बना ए टी एट, बताइए बच्चों कैसे बना है। ये ए बना प्लस टी बना, तो ये दो किसको, दो अल्फाबेट्स को एक साथ जब हमने मिला दिया ना, तब बन गया ए टी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ऐसे ही देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको एक वर्ड दूँ ओ, ठीक है, और आपको बोलूँ प्लस आपको इसमें करना है एन, तो आप क्या एक वर्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप साथ में लिख देंगे ओ एन, और ये बन जाएगा ऑन। क्या बन जाएगा बच्चों? ऑन बन जाएगा। चलो अब हम ये एक्सरसाइज देखेंगे। इसके अंदर हमें इन दो अल्फाबेट्स को ब्लेंड करना है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? एक साथ जोड़ के लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ए प्लस डी। ए प्लस डी को साथ में लिखिए तो आपका क्या बनेगा, बताइए। यस, ए डी एड बनेगा। मेरे साथ साथ लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सो ए प्लस डी एड। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास है ओ प्लस एन, तो क्या बन गया, ऑन बन गया। देखो मैम ने भी लिखा है यहाँ पे ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस एम, एम क्या बना, ए प्लस एम बन गया एम। नेक्स्ट हमारे पास है टी प्लस ओ, टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस एन, दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बन गया और एन बन गया, ए बन गया एन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बी प्लस वाई, जोड़िए, पहले बी बनाइए फिर वाई बनाइए, ये बन गया बाय, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, पहले तो है हमारे पास जी, फिर हमारे पास है ओ, तो ये हो गया गो, जी प्लस ओ गो। नेक्स्ट हमारे पास है डी, डी प्लस ओ डू, डी प्लस ओ क्या बना, डू। नेक्स्ट हमारे पास है एन ओ, एन प्लस ओ नो। नेक्स्ट हमारे पास हमको दिया हुआ है एम प्लस वाई, तो जोड़िए इसको, M लिखिए और Y लिखिए, ये बन गया माय, ठीक है। चलिए इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, ऐड, ठीक है, मैम के साथ साथ पढ़ेंगे सब। ऐड, एम, एन, गो, नो, ऑन, टू, बाय, डू, माय, ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एस प्लस ओ, सो, तो आप बनाएंगे सबसे पहले एस, फिर बनाएंगे ओ, तो आपका बन जाएगा सो, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास है यू प्लस एन, तो पहले बनाएंगे यू फिर बनाएंगे एन, तो बन जाएगा अन या युन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है प्रॉपर, बस हमने इनको जॉइन करना सीखना है अभी।
नेक्स्ट हमारे पास है आई प्लस एफ, क्या बन गया? इफ. नेक्स्ट इज यू प्लस पी, क्या बन गया? अप. आई प्लस एस इज, आई प्लस एन इन, आई प्लस टी क्या बना बच्चों? इट. आई प्लस एम इम, ओ प्लस एफ ऑफ, यू प्लस टी अट. ठीक है, पढ़ते चलिए इन वर्ड्स को. अब साथ में हम क्या पढ़ा हमने सबसे पहले? सो इफ इज आई टी इट ओ एफ ऑफ यू एन अन यू पी अप आई एन इन आई एम इम यू टी अट. तो ये सारे हमने क्या करा, बस आपको दो दे रखे हैं, एक ये अल्फ़ाबेट एक ये अल्फ़ाबेट, आपको इन्हें साथ में जोड़ के लिखना है और एक नया वर्ड बनाना है. ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अब हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसके अंदर हमें मैच द कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर्स, हमें कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के साथ जोड़ना है, उन्हें मैच करना है. तो चलो, ए कैपिटल ए स्मॉल ए हमारे लिए हुआ हुआ है, कैपिटल बी से स्मॉल बी हमने जोड़ दिया, राइट? ये रहा कैपिटल सी, ये रहा स्मॉल सी, ये रहा कैपिटल डी, ये रहा स्मॉल सी. देखो बच्चों, ऐसे ही तो बनाते हैं हम. ये हमारा कैपिटल ए, राइट? ये हमारा स्मॉल ए, ये हम नॉर्मल कर रहे हैं, कोई कर्सिव नहीं कर रहे. ये हो गया हमारा कैपिटल बी, ये हो गया हमारा स्मॉल बी, ये हो गया हमारा कैपिटल सी, ये हो गया हमारा स्मॉल सी, ये हो गया हमारा कैपिटल डी, ये हो गया हमारा स्मॉल डी, राइट? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? ये हो गया हमारा कैपिटल ई, ये हो गया हमारा स्मॉल ई. कर दो इसको भी ज्वाइन बच्चों, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये हो गया हमारा कैपिटल एफ, ये हो गया हमारा स्मॉल एफ. ठीक है, कर दो इसको भी ज्वाइन, कैपिटल एफ से स्मॉल एफ. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? है कैपिटल जी, तो ये रहा हमारा कैपिटल जी. और स्मॉल जी कैसे बनता है बच्चों? ऐसे बनता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जी के बाद आता है एच, जी से जी हमने मैच कर दिया. नेक्स्ट है एच, एच से एच भी हमने मैच कर दिया. और एच बनाते कैसे हैं बच्चों? ये रहा बड़ा एच, ये रहा छोटा एच, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच. क्लियर? नेक्स्ट वी आर मेकिंग व्हाट? वी विल जॉइन आई विद आई. ठीक है, क्या करना है नेक्स्ट? हमें आई को आई के साथ जॉइन करना है. तो ये रहा कैपिटल आई, ये रहा स्मॉल आई. तो कैसे बनाया देखिए, ये हमारा हो गया कैपिटल आई और ये हो गया स्मॉल आई. नेक्स्ट हम बनाएंगे जे फॉर जग. तो आपने कैपिटल जे को स्मॉल जे के साथ पहले मैच करेंगे और मैम आपको बना के भी दिखाएंगी. जे फॉर जग, ये कैपिटल है और स्मॉल बनाने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव के फॉर काइट. देखो के से के हमने मैच कर दिया ना, तो कैसे बनेगा जे के बाद के? बना दीजिए यहाँ पे, ये हो गया बड़ा के कैपिटल के और ये हो गया स्मॉल के. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है एल फॉर लायन. तो आपने स्मॉल एल और कैपिटल एल को मैच कर दिया, ये रहा कैपिटल एल, ये रहा स्मॉल एल. नेक्स्ट हमारे पास है एम, ये रहा एम और ये रहा एम. तो कैसे बनाएंगे आप कैपिटल एम? बनाइए मेरे साथ, ये हो गया कैपिटल एम, ये हो गया स्मॉल एम, ये हो गया कैपिटल एन, ये हो गया स्मॉल
एन, चलिए मैच भी कर देते हैं, कैपिटल एन से स्मॉल एन, कैपिटल ओ से स्मॉल ओ भी हमने मैच कर दिया। ओ फॉर क्या होता है बच्चों? ओ फॉर होता है ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पी फॉर पैरट, पी फॉर पैरट, ठीक है। पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, तो ये बन गया हमारा क्यू, और हमने क्यू के लिए क्या बना दिया? स्मॉल कर्सिव भी बना दिया। तो पी से पी हमने मैच करा, और ये रहा कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल आर टू स्मॉल आर। कैसे बनाते हैं बच्चों कैपिटल आर, बताइए? आपको बिल्कुल आता है, ये देखिए, ये रहा कैपिटल आर और ये रहा स्मॉल आर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल एस और ये रहा स्मॉल एस। कर देंगे मैच भी आप लोग कैपिटल एस से स्मॉल एस। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल टी टू स्मॉल टी, मैच कर दिया। कैपिटल यू टू स्मॉल यू, बना दीजिए टी, कैसे बनता है? ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल यू टू स्मॉल यू, कैपिटल वी टू स्मॉल वी, मैच भी करेंगे, चलिए कैपिटल वी टू स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू टू स्मॉल डब्ल्यू, वेरी गुड। सो ये हमारा कैपिटल डब्ल्यू हो गया और ये हमारा स्मॉल डब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल एक्स टू स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई टू स्मॉल वाई एंड कैपिटल जेड टू स्मॉल जेड, ठीक है बच्चों। चलिए तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है बच्चों? एक्स आता है ना, तो हमने ये बना दिया एक्स, एक्स के बाद वाई एंड वाई के बाद फाइनली हमारा आ गया जेड। तो हमने ये पूरी ए से लेके जेड तक साथ में प्रैक्टिस कर लिया है और मैचिंग भी सीख लिया है। आई होप आपको बच्चों ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है एक राइम, लिटिल बर्ड। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप, सो आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप 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 and I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and far he flew. ये एक rhyme है जिसके अंदर एक girl एक bird को बुला रही है, पर जैसे ही वो girl उस bird के पास गई, वो bird एकदम से उड़ गई। चलिए so once I saw a little bird come hop hop hop, so I cried little bird will you stop stop stop, I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and far he flew. ठीक है, बात समझ आती होगी सबको किस तरीके से इतनी अच्छी राइम हमने पढ़ी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, so that's it for this topic, thanks for watching. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.